नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से। आपको बता दें, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना से रिकॉर्ड तोड़ 49 मरीजों की मौत हुई है और उत्तराखंड में 4339 नए मामले सामने आए हैं। बात अगर देहरादून की करें तो देहरादून में 1605 मामले सामने आए। हरिद्वार में भी 1000 के पार मामले सामने आए हैं और अब कुल एक्टिव केस करीब 30,000 तक पहुंच चुके हैं उत्तराखंड में। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में 49 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है, बड़ा आंकड़ा। और कोरोना के चलते ही 4339 नए मामले सामने आए, 1605 देहरादून और 1115 नए केस हरिद्वार में दर्ज किए गए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 29,949 कुल एक्टिव केस उत्तराखंड में हो चुके हैं और 24 घंटों में 49 मरीजों की मौत उत्तराखंड में कोरोना के चलते हो चुकी है। तो ये रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े इस वक्त सामने आए हैं उत्तराखंड से। और एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, उत्तराखंड में कोरोना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, फ्री में कोविड का टीका लगाएगी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि 18 से 45 साल तक के लोगों को फ्री में सरकार की तरफ से टीका लगाया जाएगा। मई के पहले सप्ताह से ये काम शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको ये भी बता रहे हैं, 50,00,000 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है और इस टीकाकरण पर करीब 400 करोड़ रुपए का खर्च संभावित है। ये एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस बात की जानकारी दी है कि कोविड-19 का टीका फ्री में उत्तराखंड सरकार लगाएगी, जो 18 से 45 साल तक के जो लोग हैं जिनको अब 1 तारीख से टीका लगना है। तो इसी बीच सरकार ने फैसला लिया कि इन सभी लोगों को फ्री में टीका लगाया जाएगा और करीब 50,00,000 उत्तराखंड वासियों का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण पर करीब 400 करोड़ रुपए का खर्च संभावित है, जिसका वहन प्रदेश सरकार करेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं।